गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर 4, द गॉट एंड द मंकी, बकरी और बंदर। आ शेफर्ड यूज टू टेक हिज शीप टू द पास्चर डेली। शेफर्ड होता है गडरिया, पास्चर कहते हैं चरागाह को। एक गडरिया जो था अपनी भेड़ों को प्रतिदिन चरागाह ले जाता था, चरागाह मतलब घास चरने के लिए। He used to take his pets, a monkey and a goat, with him. और वह अपने पालतू जो उसके जानवर थे कौन कौन थे, एक बंदर और एक बकरी, उनको भी साथ ले जाता था। The shepherd used to tie the goat to a tree. In the pasture, the shepherd used to tie the goat to a tree. चरागाह में गडरिया बकरी को पेड़ से बांध देता था। The monkey would be allowed to roam around freely. और बंदर को जो है स्वतंत्र घूमने के लिए, चारों तरफ स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ देता था। द नॉटी मंकी यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, और वो शैतान बंदर जो है इस बात का लाभ उठाता था। ही यूज टू टीज द गॉट बाय पुलिंग इट्स टेल और टिकलिंग हर, वह जो है बकरी को तंग करता था, क्या कैसे कैसे, उसकी पूंछ को खींचकर या उसके गुदगुदी करके। द गॉट वॉज हेल्पलेस एज शी वॉज टाइड टू द ट्री, और वो बकरी बेचारी बेबस थी क्योंकि वो पेड़ से बंधी हुई थी। वन डे एज यूजुअल द शेफर्ड लेफ्ट हिज पेट्स एंड वेंट ऑफ विद द शीप। एक दिन साधारणतः जैसा कि वो हर रोज करता था, गडरिया अपने पशुओं को लेकर और भेड़ों के साथ गया। द रेस्टलेस मंकी स्टार्टेड टीजिंग द गॉट, और वो जो बेचैन बंदर था, बेचैन मतलब शरारती, यहाँ पर शरारती, ठीक है, वो जो शरारती बंदर था उसने बकरी को परेशान करना शुरू कर दिया। एंड सैरो कहा, आई एम फीलिंग हंगरी, मुझे भूख महसूस हो रही है, लेट मी चेक, मैं देखो जांच करता हूँ व्हाट द मास्टर हैज़ इन हिज लंच बॉक्स, कि मास्टर अपने साथ लंच में क्या लाए हैं, लंच बॉक्स में क्या लाए हैं। वी विल बॉथ शेयर द फूड, हम दोनों मिलकर खाना बांट लेंगे। द गॉट शुक हर हैड एंड सैड, बकरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नो नो, नहीं नहीं, आई वॉन्ट ईट इट, मैं यह नहीं खाना चाहती। यू मस्ट ऑल्सो नॉट टच द मास्टर्स लंच बॉक्स, और तुम भी जो है मालिक का लंच बॉक्स नहीं छुओ। बट द मंकी डिड नॉट लिसन टू द गॉट, लेकिन बंदर ने बकरी की बात को नहीं सुना। ही टुक द शेफर्ड्स लंच बॉक्स, उसने जो है उस गडरिये के लंच बॉक्स को लिया एंड ओपनड इट, और इसे खोला। देयर वॉज टेस्टी कर्ड एंड राइस इन इट, और उसके अंदर क्या था, स्वादिष्ट दही और चावल थे। द मंकी ऑफर्ड इट टू द गॉट, मंकी ने वो जो है बकरी को भी दिए, बट शी रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया। सो द मंकी स्टार्टेड ईटिंग द कर्ड एंड राइस स्पीडली, इसलिए बंदर ने क्या करा, दही और चावलों को तेजी से खाना शुरू कर दिया। सडनली ही सॉ द शेफर्ड कमिंग एट अ डिस्टेंस, अचानक से उसने क्या देखा कि गडरिया जो है कुछ दूरी से आ रहा है। सो द मंकी क्विकली एट अप द कर्ड एंड राइस, इसलिए बंदर ने जल्दी से दही और चावल खा लिए। एंड देन वाइप्ड हिज हैंड्स फुल ऑफ कर्ड ऑन द गॉड्स फेस, और क्या करा उसने, उसके जो दही से भरे हुए हाथ थे वो उसने बकरी के मुंह से पोंछ दिए। देन द मंकी सेटल्ड इन अ कॉर्नर विद एन इनोसेंट लुक, और तब बंदर जो है एक कोने में जाकर बैठ गया, कैसे, जैसे से बहुत मासूम हो। सून द शेफर्ड अराइव्ड एट द स्पॉट, जैसे ही गडरिया उस स्थान पर आया, ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसने भूख महसूस की। ही लुक्ड फॉर हिज लंच बॉक्स, उसने अपना लंच बॉक्स देखा। He found it lying near the goat. वह उसे बकरी के पास पड़ा हुआ मिला। Where the monkey had kept it, जहाँ पर बंदर ने उसको छोड़ दिया था। Then the shepherd saw the curd smeared mouth of the goat. तब जो है उस गडरिये ने क्या देखा कि बकरी के मुंह पर जो है दही पुता हुआ है, यानी लगा हुआ है। He assumed that the goat and eaten up his lunch, और उसने बिना सत्य की खोज किए, सत्य का पता लगाए हुए मान लिया कि उसका लंच, जो लंच है वो बकरी ने खा लिया। सो द गॉट गॉट अ साउंड बीटिंग फ्रॉम हिज मास्टर, इसलिए जो है बकरी को अपने मालिक से पिटाई पड़ी, पिटाई खानी पड़ी। ये आपके बेटा इसकी वीडियो गई, इसको आप लोग सुन लीजिएगा।